गुड मॉर्निंग गाइस गाइस, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं लेट उठी थी। तो मैंने पहले उठ करके आटा गूंदा, तो उसके बाद झाड़ू लगाया, क्योंकि बारिश का मौसम है, गंदगी सी अच्छी नहीं लगती। तो मैं गाइस थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो गाइस बाहर से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। पंखा तो मैंने खैर नहीं चला रखा था। गाइस मैं जा रही हूँ शहर, शहर के पापा के साथ। मैंने कल सिलाई कर रही थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी माथा डालने में। गाइस हम ही जा रहे हैं शहर के दुकान में, बैठेगा थोड़ी देर। हम शहर से आ गए थे, तो मैंने अपनी नज़र भी चेक करवानी थी, क्योंकि मेरे से अब सुई में धागा भी नहीं डलता। मशीन का काम करती हूँ तो हो नहीं पाता काम। तो गाइस हम सहज बोल रहा था, मम्मा समोसे खाने हैं, तो वो समोसे लेकर के आया हलवाई की दुकान से। तो हमने चाय बना ली थी और समोसे खाए। गाइस शाम के 5-5:30 बजे का टाइम है ये। गाइस हमने समोसे खाए, तो उसके बाद मैं शाम के डिनर की तैयारी में लग गई थी। सो गाइस मैं लहसुन प्याज छील रही थी यहाँ पे बैठ के। मैंने सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी गाइस। तो मैंने उसमें पानी नहीं डाला था, सिर्फ तड़के में थोड़ा सा पानी डाला था। बहुत टेस्टी बनी थी गाइस सब्ज़ी। ये मैं बड़ी भिगो रही थी पानी में, थोड़ी देर भिगो करके रख देते हैं तो सॉफ्ट हो जाती हैं वो। सो गाइस मेरी क्यारी में लगा था एक टमाटर, इतना बड़ा लगे तो काफ़ी है, पर ये बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने तोड़ लिया था। इसका छिलका गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, देखिए कितना बड़ा टमाटर था।
तैयारी कर रही थी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, हम 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी सब्जी को तड़का, मैंने सोयाबीन की बड़ी बनाई थी, गाइस बहुत टेस्टी बनी थी। सो गाइज यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय गाइज़।